तो आइए शुरू करते हैं अन्वय। अन्वय का सीधा अर्थ है शब्दों का तर्कपूर्ण तरीके से क्रमबद्ध करना, या दो वस्तुओं के आपस का संबंध या उनमें होने वाली अनुरूपता, या हम कहें वाक्य के शब्दों का पारस्परिक संबंध। यानी जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द बिल्कुल क्रम से अपनी जगह पर सही जगह पर उनको रखना, ये अन्वय कहलाता है। तो हम जो है सबसे पहले एक श्लोक लेंगे, आपकी पुस्तक का एक श्लोक, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्त युद्धम समो बंधु कृत्वा यम न शिगति। इसका अन्वय करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है। आलस्य, आलस्य जो हम कहते हैं निद्रा या आलसीपन दिखाना, मनुष्याणाम यानी मनुष्य के शरीरस्थ यानी शरीर में विद्यमान एक महान शत्रु है। जो आलस्य है वो मनुष्यों का महान शत्रु है, और वो ये जो शत्रु है ये हमारे शरीर के अंदर ही निवास करता है। न अस्तम उद्धम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। और जो है उद्धम, उद्धम यानी परिश्रम, न अस्तो समान यानी परिश्रम के समान कोई भी बंधु या हमारा भाई हमारा हित चाहने वाला नहीं है। और कृत्वा यानी परिश्रम करके यम न अवसीदति, हम बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ है कि आलस्य जो है वो मनुष्य का महान शत्रु है जो कि हमारे शरीर में निवास करता है, और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करने के बाद मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है, ना दुखी रहता है। अब अन्वय करेंगे। अन्वय जैसे मैंने लिखा है ठीक इसी प्रकार से आपके पेपर में भी आता है। पहला नंबर खाली स्थान, उसके बाद ही शरीरस्थ, दूसरा खाली स्थान महान रिपु अस्ति उद्धम समह, तीसरा खाली स्थान न अस्ति, चौथा खाली स्थान न अवसिगति, और उसके बाद ये चार आप देखेंगे कि शब्द दिए हुए हैं जिसको हम मंजूषा कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से आपके पेपर में दिया होगा, और इसको हम सही क्रम में लगा देंगे तो ये बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण वाक्य बन जाएगा, और जिसको हम एक अन्वय कहेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे आसान ट्रिक है, हमें देखना पड़ेगा कि जो यहां पर लिखा है उसको हम काट दें, और जो नहीं है फिर हम क्रमबद्ध तरीके से उसको लगा दें। जैसे यहां पर लिखा है ही, हमने ही काट दिया, यहां पर आ गया शरीरस्थ, ये काट दिया महान, ये काट दिया रिपु, काट दिया उद्धम समम, तो ये उद्धम समम आ गया, ये ओ है इसलिए यहां पर विसर्ग लगा हुआ है। आगे हम देखेंगे न अस्ति, उसके बाद न अवसीदति, तो ये कट गया, न अस्ति कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, एक बंधु कृत्वा मनुष्याणाम और आलस्यम। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कौन से शब्द को खाली स्थान पर भरे कि वो पूरा एक वाक्य बने। कहते हैं ही शरीरस्थ महान रिपु, महान रिपु क्या है हमारे शरीर में, तो हम जानेंगे कि मनुष्याणाम शरीरस्थ आलस्य महान रिपु, तो यानी मनुष्यों के किसके शरीर में, मनुष्यों के शरीर में, तो यहां पर हम लिखेंगे मनुष्याणाम ही शरीरस्थ तो आपने देखा हमने लिखा मनुष्याणाम ही शरीरस्थ यानी मनुष्यों के शरीर में कौन शत्रु है, आलस्यम, आलस्यम महान रिपु यानी मनुष्यों के शरीर के अंदर विद्यमान आलस्य उनका सबसे बड़ा शत्रु है। उद्धम समम,
उद्धम समम, यानी हमने मनुष्य नाम लिख दिया, आलस्य लिख दिया। अब उद्धम समम न अस्ति, उद्धम समम यानी परिश्रम के समान क्या नहीं है, बंधु यानी कि भाई, हमारा हित चाहने वाला नहीं है। और न अवसीदति यानी कि जिसको करके क्या नहीं होता, तो आएगा कृत्वा, तो जिसको करके हम कभी भी दुखी नहीं होते हैं। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, अगला देखते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बार बार समझा रहे हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो आप दोबारा एक बार पूछ सकते हैं। अगला आपने लिया है यत प्रोक्तम, दूसरा लिया है हमने, दूसरा श्लोक जानते हैं और अच्छे समझते हैं। यत प्रोक्तम एन केनापि तस्य तत्व अर्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेदेन शविवेक इति रितः। सबसे पहले अन्वय करने के लिए हमें इसका अर्थ जानना होगा। कहते हैं यत प्रोक्तम, मान लीजिए हमें अर्थ न भी समझ आए, उसका ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं। कहते हैं यत प्रोक्तम एन केनापि तस्य तत्व अर्थ निर्णय, कहते हैं जिस किसी के भी द्वारा जो भी केनापि कहा गया है, तस्य तत्व अर्थ निर्णय उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, जिसके द्वारा कर्तुम शक्यो भवेदेन शविवेक इति रीति, जिसके द्वारा भी किया जा सकता है उसे विवेक कहा जाता है। यानी जिस किसी के द्वारा जो भी कहा गया हो उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, यानी मैंने आपसे कुछ कहा और मेरी बातों का हूबहू बिल्कुल उसके सटीक अर्थ अगर जिसके द्वारा हम लगा पाते हैं वह विवेक है, उसे विवेक कहा जाता है, इसीलिए उसको विवेक कहा गया है। ये तो इसका अर्थ हुआ। मान लीजिए हमें इस श्लोक का अर्थ न पता हो और हमें फिर भी अन्वय करना हो, तो उसके लिए सबसे आसान विधि क्या है, जो मैंने ऊपर ही प्रयोग किया था। सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पर कौन सा शब्द लिखा गया है और कौन सा शब्द नहीं लिखा गया। हमने देखा यहां पर एन, एन आया है, यहां पर हमने एन काट दिया। इसके बाद हमने देखा अपी यत, यत आया है, काट दिया, अपी काट दिया। अब देखिए केन और यहां पर अपी, इसका हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। उसके बाद तस्य, तस्य काट दिया, तत्वर्थ काट दिया, यहां पर निर्णय बच गया है। उसके बाद एन रह गया, कर्तुम ये कर्तुम काट दिया हमने, शक्य ये शक्य काट दिया, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं विसर्ग लगा हुआ है, तो यहां पर संधि विच्छेद हुआ इसलिए विसर्ग लगा, इसलिए काट दिया। भवेन तो ये कट गया, सह कट गया, और इति रीति, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, इनका संधि हो रखा है इसलिए ये दोनों काट दिया। अब हमारे पास बचा क्या, जैसे आप मंजूषा में भी देख रहे हैं चार शब्द बचे हुए हैं और यहां पर अभी बच गया एक, अभी बच गया दो, इसके बाद बच गया केन तीन, और फिर बच गया हमारे पास निर्णय। अब हमें बिल्कुल सही तरीके से ध्यान रखना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो हम देखेंगे कि एन, एन यहां पर एन आ रहा है, तो एन के बाद यहां पर क्या आया है हम देख रहे हैं, केन आया है, तो हम केन, यहां पर प्रोक्तम भी आ सकता है, लेकिन चूंकि क्रिया अंत में आती है और कर्ता पहले आता है, तो यहां पर हम लिखेंगे केन। और आप यहां पे भी देख सकते हैं कि एन के बाद केन आ रहा है, दोनों विधि आपको मैंने बता दिया। अगला है अपि यत तस्य तत्वार्थ,
तस्य तत्वार्थ। तो अब इस लाइन में हमने देखा तत्वार्थ से पहले ये कट गया, ये कट गया, किन यहां आ गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या है प्रोक्तम, तो यहां पर आ गया प्रोक्तम। उसके बाद आगे आते हैं तत्वार्थ के बाद क्या बचा हमारे पास, निर्णय। और उसके बाद फिर एन कर्तुम शक्य भवेत सह इति ईरितः, इति ईरितः से पहले विवेक है, इस लाइन में कोई नहीं है, तो यहां पर आ गया आपका विवेक और यहां पर आपका निर्णय, क्योंकि तत्वार्थ के बाद है। बिल्कुल आसान ट्रिक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो शब्द यहां पर आ चुके हैं उनको हम काट देंगे, जो बच गए हैं उनका हम प्रयोग करेंगे, और चूंकि यहां पर मंजूषा पहले दी हुई होती है तो यहां पर मंजूषा लिखी भी गई है। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कर्ता शुरू में आता है और क्रिया बाद में आती है, इसलिए हमने कर्ता पहले यहां पर लिखा और उसके बाद यहां पर क्रिया लिखा है। आगे चलते हैं अपने अगले श्लोक पर। अगला जो हमारा श्लोक है सबसे पहले पढ़ते हैं उसको। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। और फिर वही सबसे पहले जिनको बहुत अच्छे से इसका अर्थ समझ में आ जाए उनको पहले अर्थ जानना चाहिए, जिनको अर्थ नहीं समझ में आए उसके बाद दूसरी विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर अर्थ का प्रयोग किया गया है और बताया गया है कि वाक्पटु, वाक्पटु यानी बहुत बोलने वाला, वाक्पटु यानी चालाक जिसे कह सकते हैं, कि यानी अपनी मधुर मधुर बातों में दो दूसरों को फंसा ले, जो दूसरे उसकी बातों में फंस जाए, ऐसे व्यक्ति यानी बहुत अच्छी बातचीत करने वाला, उसकी बातों में आने वाला। तो मंत्री यानी जो मंत्री वाक्पटु हो, धैर्यवान हो यानी बोलने में चतुर हो, निपुण हो, धैर्य धारण करता हो, बहुत धैर्यवान हो, बातों को ध्यान से सुनता हो, समझता हो, उसके बाद कोई फैसला देता हो, और सभायाम अप्यकात्रा, और जहां पर वो हो, जिस सभा में हो वहां पर अपकात्रा, कात्रा यानी बिल्कुल निडर, यानी मंत्री, वह मंत्री जो बोलने में बिल्कुल चतुर हो, धैर्यवान हो और सभा में निडर रहने वाला हो, वह स केनापी, स मतलब कौन यानी वह मंत्री केनापि किसी प्रकार से भी, प्रकारेण यानी किसी प्रकार से भी, परेण परिभूयते यानी किसी दूसरे के द्वारा वो अपमानित नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी व्यक्ति उसका अपमान नहीं कर सकता जिस मंत्री के पास ये तीन चीज हैं, ये तीन बातें हैं, एक तो वाक्पटुता, धैर्यवान और निडर। तो ये तो हमने जाना, और उसके बिहाव पर हम जो है ये अन्वय कर लेंगे। दूसरा विधि जो बिल्कुल सरल है वही जो मैंने पहले बताया, आपने देखा यह मंत्री लिखा हुआ है, आप ये मंत्री काट दें, धैर्यवान है, धैर्यवान काट दें, अपी यहां पर अपी काट दें, अकातर ये अकातर काट दें, सह ये सह चला गया, केन केन चला गया, ये केन चला गया, न परिभूयते परिभूयते, और न ये आ रहा है, और र यहां पर दिया हुआ है, इसीलिए आपने देखा होगा मंजूषा में यहां पर विसर्ग लग गया है, तो अब हमारा बचा एक और दो, यानी दूसरी लाइन में दो बच गए और पहली लाइन में एक हमारे पास बचा वाक्पटु, जो यहां पर भी वाक्पटु है, और सभा या। और फिर हम बिल्कुल सटीक तरीके से इसको रखेंगे, कह रहे हैं यह मंत्री, कैसा मंत्री, वाक्पटु, तो यहां पर आ गया आपका वाक्पटु, धैर्यवान, कहां पर अपिकात्र, अपिकात्र है कहां पर, यानी सभायाम, सभायाम। अब आते हैं दूसरी लाइन में, देखिए आप स के नापी, स के नापी,
अब हमें यहां पर सोचना पड़ेगा कि प्रकारेण पहले आया है तो हम क्या पहले लिखें या परे पहले लिखें। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कर्ता पहले आता है और क्रिया बाद में आती है, इसका हम ध्यान रखेंगे। और यहां पर के नापी यानी के नापी पहले आया, ये भी ध्यान रखिए। और न परिभूयते ये बाद में आया है, क्योंकि क्रिया बाद में आएगी तो हम क्रिया बाद में यहां पर कर रहे हैं, प्रकार हैं। और परे पहले कर रहे हैं। इस तरीके से तीसरा भी हमने किया। एक आइए और समझते हैं आज की क्लास में, यह अंतिम श्लोक होगा, बिल्कुल आसान विधि जो आपको मैं बता रहा हूं। इसी प्रकार से हमने पहले भी जो बच्चे पास होकर के गए हैं उनको भी बताया था और काफी अच्छा रिजल्ट रहा है उनका, तो आप इसको समझिए। अगला ये एक श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 9 से अंतिम श्लोक है उस पाठ का, आचारः प्रथमो धर्मः। एक यहां पर हो गया, इत एतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारम् प्राणेभ्यो अपि विशेषता। अब इसका सबसे पहले हम हिंदी जानते हैं, अर्थ जानते हैं, कहते हैं आचारः प्रथमो धर्मः। आचार यानी हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर हमारा सबसे पहला धर्म है। वो हमें दिखाता है कि हम किस प्रकार के हमारे व्यक्तित्व है, इसको दर्शाता है। तो आचारः प्रथमम् प्रथमो धर्मः, आचार हमारा व्यवहार हमारा पहला धर्म है। ये बात किसने कही है? इत एतद, यह बात, विदुषाः वचः, विदुषाम यानी विद्वानों का वचः यानी वचन है, वाणी है, कि हमारा जो व्यवहार है हमारा सबसे पहला धर्म है, यह बात विद्वानों द्वारा कही गई है। तस्माद् रक्षेत, इसलिए इसकी रक्षा के लिए, सदाचारम प्राणेभ्यो विशेषता, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस सदाचार को रक्षा के लिए हमें अपने प्राण भी अगर देने पड़े तो वो भी हमें दे देनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति है उसको अपने प्राण दे करके भी इस सदाचार की, इस व्यवहार की, इस आचार की रक्षा करनी चाहिए। एक बार पूरा इसका हिंदी फिर समझते हैं, कहते हैं आचरण व्यवहार जो हमारा पहला धर्म है, यह बात विद्वानों द्वारा कही गई है। तस्मात, इसलिए हमें रक्षेत, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इस सदाचार की रक्षा करनी चाहिए अपने प्राणों को दे करके भी, अगर हमें अपने प्राण देने पड़े तो भी। अब आइए फिर वही ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथमम, ये हो गया धर्मः, धर्म हो गया इति, तो यहाँ पर इति और एतत है तो ये दोनों अलग अलग लिखा है, तो ये हमने दोनों अलग अलग करके यहाँ पर लिखा है लेकिन ये एक साथ है इसलिए काट दिया। वचः, वचः कट गया, तस्माद् ये कट गया, अपि ये देखिए ये अ होता है इसको अ बोलते हैं, अपि कट गया, सदाचारम कट गया, रक्षेत कट गया। अब हम आइए देखते हैं, सबसे पहली लाइन में हमारे पास बचा आचारा, उसके बाद दूसरा बचा विदुषाम, फिर तीसरी में आ गया प्राणेभ्यो और यहां आ गया विशेषता। इधर देखिए मंजुषा में भी आप देखेंगे विदुषाम एक, विशेषतः दो, प्राणेभ्य ये और आचारा ये। अब हमें इसको सही क्रम से लगाना है। अब सबसे पहले यानी में आचारा, तो कहते हैं आचार प्रथम धर्म, तो हमारा प्रथम धर्म क्या है? आचार, तो हम यहां पर लिखेंगे आचारा यहां पर प्रथम धर्म इति एतद, इसलिए
इति एतत्, यानी ये बात किसने कही है, किनके वचन है ये, विदुषाम यानी विद्वानों के वचन है, तो दूसरा आ गया विदुषाम। अब अगली लाइन में आते हैं, तस्मात् अपि सदाचार रक्षेत। अब हमारे बचे हैं एक विशेषता और एक प्राणेभ्य, दो बच गए हैं। तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल सटीक है, प्राणेभ्य तस्मात यानी इसलिए हमें अपने क्या दे करके प्राण भी देने पड़े तो भी हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। तो यहां पर प्राणेभ्य और यहां पर विशेषता रक्षेत। तो आज हमने ये जाना अन्वय क्या होता है, अन्वय में क्या किया जाता है, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से उनके उत्तर देने होते हैं, और सबसे आसान विधि जो आज मैंने आपको बताई है, सबसे आसान विधि यही है, जिनको श्लोकों की हिंदी आती है उनके लिए भी और जिनको नहीं आती उनके लिए भी, यानी अगर पहले आप पढ़ के भी नहीं गए सिर्फ इस विधि के बारे में थोड़ा सा आपने अध्ययन किया है तो भी इन अन्वय को आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज करके आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नमो नमः।